अच्छा, वीडियो का ये हिस्सा जो है मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेशली मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जिनको डिस्टेंस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बाय वॉक अब हम इसको देखेंगे। जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की है, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, इसको एज इट इज़ मैं अपलोड करूँगा कि समझ लें कि जहाँ से ये ब्रिज है ऊपर आपका, ठीक है, इसको आप 0 मीटर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो है बाय वॉक 0 मीटर कंसीडर किया जाता है। इससे आगे हरम है ना कोई होटल है। जो होटल हैं वो 5-स्टार कैटेगरीज के हैं और वो सब 0 मीटर के लाते हैं। मैं आपको जो होटल्स के डिस्टेंस, उनके नेम्स, मैं यहाँ से बताता जाऊँगा ताकि आपको बाय वॉक अंदाज़ा हो कि मुझे कितना टाइम लगा है वहाँ तक पहुँचने में। मैं एक रूटीन वॉक कर रहा हूँ, ना ज़्यादा तेज़ ना स्लो, के बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे सब जो है उस रूटीन के साथ वॉक कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बुज़ुर्ग जा रहे हैं, ये भी इसी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहला होटल जो आपको नज़र आता है वो होटल है होटल अल गलाली। आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है होटल अल गलाली का, ठीक है। इसको अगर हम कहें कि ये 100 मीटर पर है या 50 मीटर पे है तो ये दोनों कंसीडर किए जाते हैं। 0 मीटर भी इसको कहा जाता है, 100 भी, 50, क्योंकि एक्चुअली ये जो ब्रिज है आप देख रहे हैं यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ठीक है, और ये साथ ही आपके पास ये पहला होटल आ जाता है। ये होटल, इनकी कोई क्लास कोई कैटेगरी नहीं है, आप इसे इकोनॉमी होटल कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कभी भी इन होटल्स के अंदर पैसेंजर्स को स्टे नहीं करवाया, ठीक है जी। ये पहला है अल गलाली, इसके साथ ही गली के अंदर आपको लाहौर पाकिस्तानी मताम यानी कि खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ आ जाता है इमार कंपनी का है अल सुल्तान होटल, ठीक है। ये इसको ख़ुद तो ये 3-स्टार कहते हैं, मेरे ख्याल में ये 1-स्टार कैटेगरी के अंदर भी नहीं आते और बहुत ही बुरी हालात हैं इनके। जितनी भी आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर सैलून्स वगैरह हैं जहाँ पर आप उमरा करने के बाद बाल कटवा सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक ये होटल अभी क्लोज है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ शॉप्स वगैरह आ जाती हैं, फिर उसके बाद आ जाता है अल ओलायान। अच्छा होटल है, इसको 2-स्टार 3-स्टार के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इकोनॉमी करके ही बताता हूँ। यहाँ से तीसरा होटल अगर हम कहें 1, 2, 3 एंड 4th होटल है, क्योंकि दरमियान में तीसरा बंद है, ठीक है जी। अल ओलायान हरम, अंदर से डिटेल्स हम फिर कभी देखेंगे, टाइम शॉर्ट है। मैं अभी आपको सिर्फ चलते चलते इनके नेम्स वगैरह और इनके डिस्टेंस आप देखते जाएं कि हमें कितना टाइम लग रहा है। मैं रास्ते में रुक भी रहा हूँ तो ये भी फ़र्क पड़ेगा। फिर आ जाता है फुंदुक अरीज अल फला, ठीक है जी, ये देख लें आप। उसके बाद 5वें नंबर पर ये है। फिर आप चलें 6वें नंबर के ऊपर आ जाता है लुलुआत अल खलील। किसी टाइम में बड़ा अच्छा होटल हुआ करता था, मैंने काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर भेजे, लेकिन अभी यहाँ के मामलात ऐसे नहीं है कि यहाँ पर मैं भेजूँ। ये बस अबाउट टू क्लोज़ है ये होटल, क्या इसको कंपनी कोई और बाय कर लेगी या क्लोज़ कर देंगे। फिर ये गली के अंदर दोबारा उसी तरह से सैलून्स वगैरह आ गए। फिर आ गया सराफत दयाफा अल रहमान होटल, ठीक है जी। ये सारे जितने भी होटल्स हैं ये कबूतर चौंक में हैं। इस एरिए को कबूतर चौंक कहा जाता है और कबूतर चौंक बाजार है खुद 200-250 मीटर के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। आगे चलते हैं नवारात अल शम्स होटल, ठीक है, ये भी अच्छा होटल है, इकोनॉमी प्लस कैटेगरी के अंदर आता है। फिर आगे मरसा अल जारिया होटल है जो कि ब्रोस्ट अल फ्रोज जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे ब्रोस्ट, उसके बिल्कुल साथ है। यहाँ पर 2 होटल हैं, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, शॉप्स आ जाती हैं नीचे, ये 2-3 बिल्डिंग्स हैं सिर्फ, यहाँ पर होटल्स नहीं हैं, किसी अपार्टमेंट्स वगैरह बने हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, लेबर वगैरह जो है यहाँ पर रहती है। ये है कबूतर चौंक जिसकी इसको कवर किया गया है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के मामला शुरू होने वाले हैं, कुछ कर दिए हैं, कुछ होने वाले हैं। अब यहाँ पर शॉप्स बनाएंगे या होटल्स बनाएंगे डिपेंड करता है। ये गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर जितने भी मैं बताता जाऊँ जितने भी होटल हैं एक्चुअली बिल्डिंग कैटेगरी के होटल हैं। बिल्डिंग से मुराद क्या होता है, जिनकी प्रॉपर लॉबी नहीं होती, रूम्स बस ऐसे ही पूरा पूरा, यानी कि जो सस्ते तरीन जो उमरा पे भेजे जाते हैं लोगों को, उनको गलियों के अंदर या शेयरिंग में भेजते हैं, तो उनको गलियों के अंदर होटल्स दे दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नवारात अल शम्स 2,
ठीक है जी। पहले हमने नवारा दिलशम्स 1 देखा था, अभी नवारा दिलशम्स 2 आ गया, ठीक है। इसमें और उसमें 100 मीटर्स का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। उसके बाद आ जाता है जवाहरात अल नवेर, ठीक है जी। यहाँ पर शेयरिंग वगैरह के काफ़ी पैसेंजर्स आते हैं, ये भी 400 मीटर्स तक ही आता है, ठीक है। 350 भी इसको कहते हैं, 350 400 पे आता है। उसके बाद शॉप्स आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट याद रखिए हर वक्त हर जगह पे ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं होती, नमाज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है। तो जैसे ही नमाज का टाइम होता है ट्रांसपोर्ट पीछे रुक जाती है, और रश के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, रस्ते में काफ़ी दफ़ा मैं रुका हूँ। तो ये मार्केट आ गई है, अब ये है एक होटल इमार अंदलुसिया, ठीक है। इमार अंदलुसिया इसको मैं 2-star कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर सकता हूँ, 2-3 star। अच्छा है, साफ़ सुथरा है, और द बेस्ट थिंग इज़ इसको 450 मीटर्स के ऊपर कंसिडर करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को भेजा है जो कि काफ़ी मुतमिन भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस साइड पर है अरीज अल वफा, यानी अंदलुसिया के बिल्कुल सामने अरीज अल वफा होटल है, ठीक है। फिर उसके साथ नवारा दिलशम्स 3, ठीक है। आप देखते हैं कि नवारा दिलशम्स 1 आया था, उसके बाद 2 आया था, उसके बाद 3। तो ये तीनों जो है ऑलमोस्ट 50-100 मीटर्स के डिफरेंस के ऊपर तीनों होटल्स मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि आप नवारा दिलशम्स 3 जो है ये एग्जैक्टली अगर मैं इसको 450 मीटर्स कहूँ तो गलत नहीं है, तो इससे आप पीछे जाते जाएँ। और फिर इस साइड पे हमारे पास ये अलताज अलवाकी, किसी वक्त में बड़ा अच्छा होटल था, इसकी लॉबी, इसकी वॉकवेज, इसके रूम्स वगैरह बड़े परफेक्ट, लेकिन अभी सुना है कि थोड़े से मामला इनके ख़राब हैं। ये है सिकायात अल बैत, ठीक है जी। उसके बाद ये इकोनॉमी कैटेगरी का है, फिर आगे कुछ होटल्स आ जाते हैं खाने पीने के लिए। ये है जी अलमासा हानी होटल अपार्टमेंट जी, तो ये इकोनॉमी होटल है। उसके बाद आपका अलमशहूर गुजरांवाला होटल आ जाता है, जहाँ पर आप खाने पीने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। मुझे खाना इनका एवरेज ही लगा है, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। एक तो एक्सपेंसिव आजकल बहुत हो गया हुआ है, और ऊपर से क्वालिटी भी कोई नहीं है, तो समझ लें कि भूख तो ख़त्म ही हो गई है यहाँ पर। फिर यह आ गया बलवारात अल फुंदुक अल इमादात अल ज़हब होटल है, ठीक है जी। ये 500-550 मीटर्स के ऊपर आ गए हैं हम अभी, इस वक्त 550 मीटर्स के ऊपर हैं बलवारात अल मुजन। ये आ गया फिर रोहिल अल हफद होटल 3, ये भी इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। अल वहद होटल है इस लेफ्ट साइड पे, इकोनॉमी है। ये फुंदुक अमार अल खलील, इमार अल खलील भी है जी, ये भी इमार कंपनी के पास है, इसे भी आप 2-3 star कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा होटल है। फिर ये गली है, इस गली के अंदर लॉन्ड्रीज, खाना पीना और होटल्स भी हैं यहाँ पर। फिर ये आ गया शम्स अल साला होटल, उसके बाद इस साइड पे है तो ओलेयान गोल्डन, ओलेयान बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़े साफ़ सुथरे रूम्स होते हैं इनके। अलऊद आ गया, अलऊद अल मुबारका, इसको भी 2-star इकोनॉमी 2-star के अंदर कंसिडर करें। फिर ये आ गया फुंदुक स्विस अल खलील, ये है, ये भी 2-star कैटेगरीज के होटल हैं। अब हम पहुँच गए ऑलमोस्ट 550-600 मीटर पे आ गए। यहाँ पर आपको थोड़े अच्छे होटल जो है वो यहाँ पर आके मिलना शुरू होते हैं, जो आप देख रहे हैं कि ब्रोस अल फरूज है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो ये एक बिल्डिंग है सदाना अल हुदा, ये इकोनॉमी है बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ जब आप देखते हैं तो ये इमार अल मनार होटल है, जहाँ पर हमने पार्सल स्टे हमने यहाँ पर किया था, पार्सल स्टे हमने डबल ट्री बाय हिल्टन में किया था, तो बड़ा ही अच्छा रहा यहाँ पर स्टे हमारा, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ है अलमशहूर बदर अल मासा। मैं कहूँगा कि अगर हम इमार अल मनार को 3-4 star कैटेगरी कह रहे हैं, तो बदर मासा को 2-3 star में देंगे, क्योंकि अभी ये क्वालिटी अपनी लूज़ कर गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम चलें अल फजर अल बादिया होटल है, ठीक है, ये भी इकोनॉमी प्लस कैटेगरी में आता है। और इसके साथ है फुंदुक इमार ग्रैंड, इमार ग्रैंड जो है एक्चुअली इसकी रेटिंग 5-star की है, लेकिन मैं इसको 4-star में ही रखूँगा, ठीक है। इसको हम समझ लें कि बदर अल मासा के बाद हम लेते हैं इमार अल मनार अच्छी कैटेगरी में, और इमार मनार के बाद इससे अगर हमने कैटेगरी अप करनी है तो हम इमार ग्रैंड के ऊपर चलेंगे, ठीक है। इमार ग्रैंड, और इसमें दो होटल साथ साथ हैं, एक इमार ग्रैंड है
ठीक है, इसे आप प्रॉपर 4-स्टार कह सकते हैं। और उसके साथ है इमार अल दियाफा, ठीक है जी, ये दोनों साथ साथ हैं, एक ही कंपनी के पास हैं दोनों। फिर उसके बाद आगे चले जाएँ, यानी ये हम इस वक्त 650 मीटर्स पे हैं, इसे थोड़ा आगे कर दें यानी 700 मीटर पे यास्मीन अल मजद होटल आ जाता है, ये भी अच्छा है। उसके सामने थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँ तो आगे आपको पैलेस्टाइन होटल मिलेगा, जो कि इस वक्त का अल मशहूर किस्म का होटल है, ठीक है, काफ़ी अच्छी कैटेगरी का होटल है। आगे यानी पैलेस्टाइन होटल आपको ले जाता है 850 मीटर्स के ऊपर, 900 मीटर पर चला जाता है। हम यहाँ तक ही रुकेंगे, बदर अल मासा अच्छा होटल है, और बदर अल मासा एवरेज है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पहले सीज़न में बड़े अच्छे रहे हैं लेकिन अभी ये क्वालिटी लूज़ करके। इमार अल मनार मैं रिकमेंड करूँगा, रूम स्पेशियस हैं इसके, रूम बहुत बड़े हैं, वॉशरूम के अंदर है थोड़ा सा कि क्वालिटी नहीं मेंटेन की गई, वॉशरूम को मेंटेन नहीं किया गया, ओवरऑल रूम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादातर ये एरिया रिकमेंड करता हूँ कि 500 से लेके जहाँ से इमार अंदलुसिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 450 to 600 मीटर्स हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। ये साफ़ सुथरी जगह है और प्रॉपर होटल्स हैं, जो पीछे आपको मिलते हैं वो बिल्डिंग होटल मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा जो ये 600 मीटर्स का ट्रिप है फ्रॉम हरम टू इमार ग्रैंड, ठीक है, आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको होटल्स के नेम्स, उनकी डिस्टेंस आपको एग्जैक्ट पता लगा होगा, जो यहाँ पर चल रही है इसकी मेजरमेंट, सॉरी जो टाइमिंग चल रही है वीडियो की यही होगी। और इसमें बस ये है कि मैं कहीं जगह पे रुक गया था, तो आप जब कंटिन्यूसली आएंगे, बातें नहीं करेंगे कंटिन्यूसली आएंगे, तो आप इसके अंदर 3-4 मिनट मज़ीद सेव कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, जो ये सिर्फ उन लोगों के लिए रियल एक्सपीरियंस किया है जो लोग आके कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा था, ये था, वो था, रेटर, तो यहाँ पर उनको बताने का मकसद ये है कि आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर लें कि ये कितना फासला है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन वो 500 to 600 मीटर पर होती है, इससे पहले नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होटल इससे भी बेहतर, अगर आप होटल चाहिए तो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप शटल सर्विस पर जाएँ, जिसके अंदर हमारे पास किस्वा टावर्स के जो है वहाँ पर एक टावर है, फिर उसके बाद मिलीनियम है, एम मिलीनियम अलयान है, तासीर तेसीर टावर है, इस तरह के बहुत से होटल हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हैं। मज़ीद हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस होटल के ऊपर मज़ीद काम किया जाए, ताकि उनके ऊपर क्लाइंट्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा खुश रहते हैं। होटल्स बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे, वॉशरूम की बड़ी केयर की जाती है, टॉवल्स दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर पूरे रोड पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या उनके आगे रिश्तेदार दोस्त अहबाब जाना चाह रहे हैं। तो अब हम निकलेंगे मदीना की तरफ, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है मदीना के ट्रिप पे, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।